told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी पिगमेंट को भी दूर करेगी, पिगमेंटेशन को जड़ से खत्म कर देगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, एक बेल आता है उसको जरूर से प्रेस कर लें। देखिएगा फ्रेंड्स, पिगमेंटेशन, झाइया, मिलाजमा के लिए आपने काफी रेमेडी ट्राई की होंगी। एक बार इस रेमेडी का आप जरूर से इस्तेमाल करके देखिएगा तो 100% आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो और रेमेडी की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है बेसन। बेसन लिया है मैंने 1/4 चम्मच के करीब। इसके बाद मैं हर्ब टॉनिक का यहाँ पे एलोवेरा जेल ले रही हूँ। आप चाहें तो फ्रेश वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं। देखिएगा जैसे कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में स्किन भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो हमने जो एलोवेरा जेल का यूज़ किया है, हमारी स्किन भी स्मूथ होगी और उससे अच्छी बनेगी। इसके बाद मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी ली है। जिन लोगों को कॉफ़ी सूट नहीं करती तो आप स्किप कर सकते हैं। आप देखिएगा सर्दियों में आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिगमेंटेशन वाले लोग यानी कि जिनके झाइयाँ हों। गर्मियों में अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉफ़ी होती है गर्म, और गर्म होती है तो हमारी जो पिगमेंटेशन है वो गर्मी के कारण भी हमारे फेस में हो सकती है, या फिर कोई स्किन एलर्जी की वजह से भी हो सकती है। इसके बाद जो मैंने यूज़ किया है वो है ऑरेंज पील पाउडर। देखिए ऑरेंज यानी कि संतरे के जो छिलके होते हैं, आप होममेड भी बना सकते हैं या मैंने मार्केट का लिया है। इसके बाद मैंने हनी का यूज़ किया है। ऑरेंज में होता है भरपूर मात्रा में विटामिन सी। आपको खाने में विटामिन सी का यूज़ करना है। जिस तरीके से रेमेडी शेयर कर रही हूँ वो आपको डेली यूज़ करनी है। आपको एक हफ्ते में इसका 100% रिजल्ट मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैंने रोज़ वाटर का यूज़ किया है, क्योंकि हमने कॉफ़ी का इस्तेमाल किया तो आपको रोज़ वाटर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करते तो आप रोज़ वाटर की जगह मिल्क भी ले सकते हैं। अब सबको मिक्स कर दीजिए अच्छे से फ्रेंड्स। इसके बाद जो है मैंने थोड़ी सी हल्दी का यूज़ किया है। देखिए टर्मरिक जो है एंटीसेप्टिक भी होती है, रंग को गोरा करने का काम करती है और रंगत को निखारती है। फ्रेंड्स ये जो है मार्केट की हल्दी नहीं है, ये होममेड हल्दी है। सर्दियों में जो कच्ची हल्दी आ रही है उसको पीस कर रख लीजिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, पैक कुछ इस तरीके का बनकर रेडी हो गया। आपको क्या करना है, आपको क्लीन फेस पे लगाना है। आप चाहें तो नाइट टाइम भी लगा सकते हैं, डे टाइम, किसी भी टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप जो है सर्दियों में सन की तरफ फेस करके बैठते हैं तो सर्दियों में बिल्कुल भी सन की तरफ फेस करके ना बैठें। अगर आपने सन की तरफ आपको जो है फेस करना भी है तो आप सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं या फिर सीसी क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। आपको जो है डायरेक्ट सन की लाइट अपने फेस पर नहीं पड़ने देनी, ध्यान रखिएगा इस बात का फ्रेंड्स। और आपको ज़्यादा गर्म पानी से अपने चेहरे को नहीं धोना है, नॉर्मल वाटर से अपने फेस को धोइए। झाइयाँ हो, पिगमेंटेशन हो, झुर्रियों की शिकायत हो, सारी आपकी इसी पैक से दूर हो जाएगी। देखिएगा झुर्रियाँ जो होती है, हमारी स्किन लटक जाती है, जो 30+ की एज होती है उस एज में हमारे फेस पर रिंकल आने शुरू हो जाते हैं। अगर आपकी एज जो है 30+ है, उससे पहले ही आपके जो है आने शुरू हो गए हैं तो आपके आने जो है बंद हो जाएंगे। इस रेमेडी के इस्तेमाल से बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट ये देती है। आप मेरी स्किन में दे सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको लगाने के बाद इतना अच्छा ग्लो आने वाला है, बहुत अच्छा ग्लो आने वाला है फ्रेंड्स। आप इसको जो है फुल बॉडी पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हैंड पे लगा सकते हैं, लेग पे लगा सकते हैं, फुल बॉडी पैक जो है ये आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा बना लेते हैं। उसके बाद में फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करते हैं तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट मुझे मिला है। आप देख सकते हैं स्किन है बहुत ज़्यादा फेयर हो चुकी है, बहुत ज़्यादा जो है क्लीन एंड क्लियर हो चुकी है फ्रेंड्स। अगर आप इसे वीक में 2 बार भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा गारंटेड रिजल्ट आपको मिलने वाला है। वीडियो और जानकारी अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।